तो चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बोर मॉडल ऑफ एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। उसमें मैं तीन लेक्चर बड़े बड़े दिया हूँ और बाकी छोटे छोटे भी हैं। आप अलग अलग क्वेश्चन भी यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो बोर मॉडल से। जिस क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। या अगर आपको बड़े लेक्चर देखने का मन है तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है? तो चलो, पहला ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कहता है, ये लेक्चर नंबर थर्ड है, कहता है बोर मॉडल ऑफ एटम, सेंट्रिपिटल फोर्स इज फर्निस्ड बाय द कुलामिक अट्रैक्शन। कुल मिला के इतनी डिफिकल्ट अंग्रेजी है कि जो कुलामिक फोर्स अट्रैक्शन, वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और करता भी है यार, बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और ए नॉट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट, एम इज द मास, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, परमिटिविटी इतना दिया है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक आसान क्वेश्चन है, जिसको सर्कुलर मोशन आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा। अगर ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, प्रोटॉन पे कुछ चार्ज है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा बोर ने बताया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, और ये रेडियस आर की जो वैल्यू है वहाँ पे, यहाँ पे ए नॉट दिया हुआ है, ठीक है? तो ये कहता है कि स्पीड, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस कांस्टेंट स्पीड की हमें कैलकुलेशन करनी है। और यहाँ पे ये बताया जाए कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है, वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हम सबको पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स मिलना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो अपना प्रॉब्लम हो जाएगा। सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ द बॉडी जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसकी स्पीड का स्क्वायर, और रेडियस, रेडियस के प्लेस पे ए नॉट है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। और इलेक्ट्रिकल कुलामिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए नॉट का स्क्वायर और चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो चार्ज कितना है? चार्ज ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो प्रोटॉन पे भी ई होता है, ठीक है? और बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम है, तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर ए नॉट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ए नॉट ने ए नॉट को ख़त्म कर दिया, तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए नॉट यहाँ बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट, और एम भी बच गया है अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, आसान क्वेश्चन था, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था। चलो, कहता है इन द फिगर एनर्जी और लेवल डायग्राम ऑफ एटम ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिया हुआ है, दैट इज लाइंस एग्जाम्पल 5 अराइज फ्रॉम द ट्रांजिशन। ये लाइन दी हुई है, ऐसा समझ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी ऑगर इन द ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम। ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होता है? देखो, अभी यहाँ पे जो दिखाया गया सब इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम वो होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है, तो उसमें कुछ वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी निकलती है और फोटॉन्स निकलते हैं, उनको हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम वो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है, एंड भाई हाइड्रोजन है, डायग्राम्स ऑफ एटम्स एंड ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम द ट्रांजिशन वी, विच आर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो अगर ग्राउंड लेवल में यहाँ पे मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमें एक्साइट करना है, तो इसको एक्साइट करने के लिए हमें इसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। भाई एनर्जी देंगे तभी तो ये एक्साइट होकर ऊपर जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ इसको हम ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, ऐसे समझ लो कि अगर हाइड्रोजन का गैस है, यहाँ से हाइड्रोजन का गैस है, और उस गैस से मैं वाइट लाइट पास करा दिया, यहाँ से वाइट लाइट पास करा दिया, और यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन लगा दिया तो मैं देखूँगा कुछ कलर जो है वो गायब हो जाएंगे, कुछ कलर यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो वो जो है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है? इस टाइप से आप डिटेल में पढ़े होंगे थ्योरी में। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी जाता है, कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो उसको हम ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
अब दोबारा मान लो इसने डेल्टा ई एनर्जी लेके, तो डेल्टा ई की वैल्यू एस सी अपन लैम्डा हो गया, तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम की जो इसको जो फोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वो जो फोटॉन है उस फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा होगी और एनर्जी डिफरेंस ई टू अपॉन और ई वन का मैग्नीट्यूड होगा, और ई वन और ई टू का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो वही फोटॉन उसी वेवलेंथ का जो जनरेट कर देगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों केस में लैम्डा अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो लैम्डा सेम एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से नीचे आता है तो लैम्डा सेम रिजेक्ट करेगा, इमिट करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम इसमें से कौन सा पॉसिबल है, तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम वो जब ग्राउंड से एक्साइट हुआ, तो ये तो पहले से एक्साइट था यार, ये तो एक्साइट इंटरमीडिएट स्टेट में आया, तो यहाँ से अगर ये देखो यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट से कभी एक्साइट भी तो हुआ होगा, ऊपर भी तो गया होगा, ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, तो जब ये ऊपर गया होता ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम हुआ, लैम्डा ऑब्जर्व किया होगा, जब नीचे आया तो वही लैम्डा रिलीज किया होगा, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है 1, 2, 3, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार अब एक्साइट हो गया, एक्साइट हो के एक्साइट नहीं होना है, समझ रहे हो ना, एक्साइटेशन में एक्साइटेशन नहीं होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन, ये पहले से ही एक्साइटेड है और एक्साइट हो के एक्साइट नहीं होना है। हाइड्रोजन एटम इज राइज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो हाइड्रोजन एटम इज राइज फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट की तरफ बढ़ता हूँ, कहाँ तक जाऊँगा भैया, इन्फिनिटी तक, तो मुझे क्या चेंजेस मिलेगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट होते हैं, एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, और एन इज इक्वल टू फोर, और एन इज इक्वल टू फाइव, और ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इधर जाऊँगा, मैं इधर जाता हूँ, तो टोटल एनर्जी हमेशा इनक्रीज होती है, ये बात हम सबको पता है, और ये एनर्जी मैक्सिमम होती है, और वो होती है ज़ीरो इन्फिनिटी पे जाके, टोटल एनर्जी ज़ीरो। तो हम सबको पता है कि जब ऊपर जाएंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन स्टेट बढ़ेगा और अप टू इन्फिनिटी तक मैं चला जाऊँगा, तो इस प्रोसेस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें प्रिडिक्ट करना है। हम सबको पता है कि अगर इधर से हम दूर जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज होती चली जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है, समझना। तो काइनेटिक एनर्जी जब, हम सबको पता है, थ्योरी में पढ़े हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो स्पीड डिक्रीज होता चला जाता है, और स्पीड डिक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब बहुत इंक्रीज, ये तो सही नहीं है, और या तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, काइनेटिक इंक्रीज करेगा, ये भी गलत है, और पोटेंशियल और काइनेटिक इन दोनों डिक्रीज करेंगे, या तो ये सही है या तो ये सही है। अब पोटेंशियल का क्या हाल होगा, तो हम सबको पता भाई, एक भाई तीनों चीज़ में से एक तो पता होगा तभी तो कर पाओगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन तो पता हो। तो अगर हमें पता है कि टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी को भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी, जब काइनेटिक डिक्रीज हो रही है पहले से पता हमें, तो पोटेंशियल को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो टोटल इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज, मतलब डी ऑप्शन सही है। या नहीं तो आप फार्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखो फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं इस तरह से खुश हो तो यार तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा कि मज़ा आ जाए तुम्हें ना। तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी की आधी हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, तो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी माइनस 13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाली चीज़ यहाँ से। तो अब भाई जेड, अगर वट एवर जेड, जेड तो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, तो एन स्क्वायर तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है, तो जब ऊपर जाओगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ेगा, तो ये जो वैल्यू है दैट इज बिकेम लेस निगेटिव,
लेस निगेटिव, तो ये जो है वो लेस निगेटिव होगी पूरी वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू तो लेस निगेटिव होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई। चलो, हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू 4। चलो, एक्साइट हो गया है और 4, देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कोई लोग एक्साइटेड बोलता है, कोई लोग एक्साइटेड बोलता है, अब भाई बोल ले, कोई फ्रेंच आएगा, कोई अंग्रेजी आएगा, कोई देहाती आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं कौन क्या बोलता है। कोई पी यू टी को पुट बोलता है, तो इस हिसाब से बी यू टी बुट हो गया और सी यू टी कुट हो गया, ठीक है। तो अगर बी यू टी बट हो गया तो पी यू टी पट हो गया, तो सी यू टी कट हो गया। इसका इस दुनिया में किसी को नहीं पता भाई, ये फिजिक्स नहीं है, ये रटने वाली चीज़ है, अंग्रेजी है, ठीक है भाई। ये मैं बहुत मतलब बहुत बेकार से लगता है मुझे ये चीज़, क्यों ऐसा पढ़ाते हो भाई, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। चलो, एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, कितना 4 में है, तो चलो इसके दो मेथड में बताया था पहले भी, अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो आप इसको कर सकते हो, और इसके मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, दोनों एक आसान मेथड है। तो पहला, अगर 4 में है तो फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट काउंट कर लो, फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट काउंट कर लो ट्रांजिशन के, n इज इक्वल टू 4 में है, अगर इलेक्ट्रॉन 4 में है एक्साइट होके गया तो वो 1 में आएगा, तो 1 में कब आएगा और कैसे आएगा ये हमको नहीं पता भैया, ठीक है, कब आएगा कैसे आएगा हमको नहीं पता है। एवरेज ऑन 8-8 सेकेंड में आ जाता है, और मैक्सिमम ट्रांजिशन या मैक्सिमम फोटोन इमिट होगा वो हमें यहाँ निकालना है, मैक्सिमम लाइंस। तो 4 में है तो 4 से तो डायरेक्ट 1 में कूद गया, डायरेक्ट 3 में भी कूद सकता है, डायरेक्ट 2 में भी कूद सकता है, डायरेक्ट 1 में भी कूद सकता है। हर एक ट्रांजिशन में एक फोटोन निकलेगी, एक लाइन निकलेगा, एक फ्रीक्वेंसी बनेगा, एक वेवलेंथ निकलेगा, एक ट्रांजिशन होगा, तो 1, 2, 3, 4 हो गया। और अगर 4 से 2 में भी तो कूद सकता है, और 2 से 1 में भी तो कूद सकता है, तो मेरे बच्चों ये 6 लाइंस हो गई, 6 फोटॉन्स, मैक्सिमम 6 फोटॉन्स इमिट होंगे, मैक्सिमम 6 लाइन बनेगी, 6 वेवलेंथ होंगे, 6 फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ से 6 फोटॉन्स आ सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट में उसको आना है तो ग्राउंड इट्स, अगर हाँ यहाँ से n से 4 में कहाँ आना, ग्राउंड स्टेट में आना है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है n-1/2 होती है, तो 4 में था तो 4-1/2 दैट इज 6, तो ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो ग्राउंड में नहीं आता, कहीं और आता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, ये एडिशनल है आपके लिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है n1-n2+1 और n1-n2 और डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला कब लगाओगे, मान लो n1 पहले n1 10 में था और 10 से n2 इज इक्वल टू 7 में आ गया, या n2 इज इक्वल टू 2 में आ गया, ठीक है, तो ऐसे कर लो, n2 10 से 2 में आ गया, तो थोड़ा काउंट, जब नंबर ज़्यादा होगा तो काउंटिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, ग्राउंड में नहीं आया, ग्राउंड में आएगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे यार, ठीक है, तो ये ग्राउंड में नहीं आया, तो ग्राउंड में नहीं आया तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, अगर n2 की वैल्यू 1 रखोगे तो ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा, कहीं बीच में आ गया तो कितनी लाइंस, कितने फोटॉन्स, कितने ट्रांजिशन होंगे ये लगाओगे, ठीक है। चलो, ये दो मेथड में बता दिया। इन टर्म ऑफ बोर रेडियस आर नॉट, अगर बोर रेडियस को मैं ए नॉट लूँ, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट, आसान क्वेश्चन है, सेकेंड बोर ऑर्बिट, रेडियस आर का फार्मूला हम सबको पता है कि आर नॉट, और ये ए आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड रेडियस। तो बोर रेडियस क्या होता है, तो बोर रेडियस वो होता है जब जेड की वैल्यू 1 हो और एन की वैल्यू भी 1 हो, तो ये आर की वैल्यू जो है वो आर नॉट, दैट इज ए नॉट, आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो चीज़ है वो बोर रेडियस है, ये इक्वल होगा, तो ये इक्वल है, इसके आर नॉट के इक्वल है, आर इज इक्वल टू आर नॉट, बोर रेडियस इतना है। तो बोर रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड मतलब होता है कि एन इज इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो रेडियस सेकेंड आर टू जब लिखोगे तो यहाँ से आर नॉट
या ए नॉट जो भी लिख दो, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो आर नॉट और ये 2 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू 1, दैट इज 4 आर नॉट या 4 ए नॉट इसका सोल्यूशन है। आसान क्वेश्चन था, दैट इज ए ऑप्शन सही है। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल न्यूक्लियस से बिल्कुल छुड़ा देना, ठीक है, मतलब ब्रेकअप करा देना न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच, एकदम बिल्कुल ब्रेकअप, कोई बातचीत नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं, ठीक है, तो उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोर है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी अब बोर, अब ये इतना है हाइड्रोजन का। कहता है फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू बोर, द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन थर्ड से फोर्थ में गया तो उसके लिए कितनी एनर्जी की, बोर थ्योरी, द एनर्जी हमें कितनी चाहिए थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए। तो चलो थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसका देखो डायरेक्ट फार्मूला भी है, अगर याद है तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें होता है -13.6, इसमें होता है -3.4, इसमें होता है -1.4, इसमें होता है -8.5, ठीक है। तो ये जो है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ऑब्वियसली देखो देखो थर्ड से फोर्थ में ट्रांजिशन, थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए या फोर्थ में, फोर्थ से थर्ड में आने के लिए, बात बराबर है, थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए या फोर्थ से थर्ड में आने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, डेल्टा ई, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस ले लो तो -1.5 में माइनस ये मैग्नीट्यूड ले लेना ना, तो मैग्नीट्यूड ले लेना, तो बड़े वाले में से छोटे, बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो, तो -0.85 और -1.5, तो यह जाएगा 0.65 या ऐसा कुछ, ये 0.66 के आसपास, ये वाली चीज़, दैट इज हमारा डी ऑप्शन मैच करा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, मान लो एग्जाम में वैल्यू भूल गए, तो थर्ड से फोर्थ की एनर्जी लिख लो फिर घटा देना, तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट में कितनी होती है, -13.6 और थर्ड की एनर्जी मतलब 3 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से थर्ड की एनर्जी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और एनर्जी फोर्थ का लिख लेना, ये थर्ड का था, फोर्थ का लिख लेना, -13.6 4 का स्क्वायर और इसमें से इसको घटा देना, तो हमें एनर्जी थर्ड से फोर्थ में चाहिए E4 माइनस E3 मॉड, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ले लेना, इसको घटा देना, ये इतना ऑप्शन ये मैच कर जाएगा। तो ये भी एक तरीका, अगर भूल गए तो ये याद है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये थोड़ा लेंदी है। चलो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, तो कौन सी एनर्जी है भाई, टोटल एनर्जी है बताया नहीं गया, तो एनर्जी नीडेड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आयनाइज करना, आयनाइज मतलब मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, न्यूक्लियस से बिल्कुल डिसकनेक्ट कर देना है, ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, तो सेकेंड एक्साइटेड में एनर्जी होती है -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए, तो -13.6 और ये एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बी केयरफुल, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, एन की वैल्यू यहाँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 3, नहीं समझे, देखो वैसे अगर याद है तो डायरेक्ट कर लो, ये एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 2 है, एन इज इक्वल टू 3 है, एन इज इक्वल टू 4 है, ये जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को हमें आयनाइज करना है, इन्फिनिटी पर भेजना है, तो वैसे भी एनर्जी मुझे याद है 13.6 -3.4 और -1.5, ठीक है, तो सेकेंड वाले को अगर मैं इन्फिनिटी पे भेजूँ तो मुझे
प्लस 1.5 देना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। या नहीं तो ये याद नहीं है एनर्जी लेवल, तो एक काम करो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, तो टोटल एनर्जी 3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ये हाँ यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 9 आ जाएगा और 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह जाएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ए एनर्जी इन थर्ड सेल या सेकेंड एक्साइटेड। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एनर्जी टोटल एनर्जी की प्लस होती है, तो प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी मुझे चाहिए यार, प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ए ऑप्शन सही है। कहता है कॉन्स्टिट्यूट एटॉमिक न्यूक्लियाई बिलीव, ऐसा माना जाता है भाई, देखा तो कोई कुछ नहीं है न्यूक्लियाई के अंदर, पर सब कुछ प्रूफ है मैथमेटिकली लॉजिकली और कंसेप्चुलाइज, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो न्यूक्लियाई के अंदर कौन सा इसमें से पॉसिबल होता है, क्या कौन सा माना जाता है। न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन होता है ये तो बात फिक्स है, तो क्या केवल न्यूट्रॉन होता है, एक स्पेशल केस है हाइड्रोजन यार, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते ही नहीं है, 0 होते हैं, तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई में प्रोटॉन तो 0 हो गया ना, और इलेक्ट्रॉन इकलौता होता है जो चक्कर लगाता है, तो न्यूक्लियाई में प्रोटॉन तो होते ही होते हैं, तो प्रोटॉन तो होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन 0 है, तो कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई आर बिलीव टू बी मेड ओनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ओनली प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, तो ये कहना सही नहीं है, और उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़, ये आसान सवाल था। एक्सप्लेन इज बोर थियरी यूज, जब बोर मॉडल बन रहा था, नील बोर ने बनाया था जो अजम्पशन अपनी थियरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें से इसमें से कौन सा यूज किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं यार कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज नहीं किया था उसने, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट उसने यूज किया था, ये अज्यूम किया था, इन्होंने बहुत सारा मतलब लॉजिक दिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, स्टडी किया था, मैथमेटिकल एनालिसिस किया था, तो उसको पता चला कि एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, पर ऐसा क्यों होता है फिजिकली और ऐसा क्यों होता है इसको डिराइव नहीं कर पाया गया उस वक्त, तो ये मतलब इसका इस फिजिकल एक्सप्लेनेशन ढंग से दिया नहीं गया उस टाइम, तो ये हमें यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 द आयनाइजेशन सिंगल आयनाइज हीलियम एटम, अब देखो यार आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का निकालना है सिंगली आयनाइज्ड, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी की पॉजिटिव जो वैल्यू होती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी जो टोटल एनर्जी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब प्लस 13.6 एन जेड स्क्वायर प्लस 13.6 यहाँ से और 13.6 और ये एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये आपको दे दिया गया है 13.6, तो हीलियम के लिए जब लिखोगे तो हीलियम के लिए लिखोगे तो प्लस 13.6 और हाइड्रोजन के लिए ये सब 1 हो जाएगा, तो हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे एन की वैल्यू 1 के लिए ही पूछ रहा, मतलब 4 टाइम्स आ जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान सवाल है, नहीं आया समझ में, देखो आयनाइजेशन एनर्जी लिख लो ना, टोटल एनर्जी लिख लो, एक बार हाइड्रोजन के लिए लगा दो, एक बार प्लस इसे हीलियम के लिए लगा दो, एन इज इक्वल टू 1 के लिए दोनों के लिए।
ये कहता है एनर्जी लेवल ए बी सी हैव ए सर्टेन कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, चाहे तो जिसको रिजल्ट याद है जो मेरा थियरी पढ़ा होगा देखा होगा, ठीक है अभी मैं अपलोड करूँगा तो वो इस क्वेश्चन को एक लाइन में लगा लेगा यार। अब जो नहीं अच्छे फैकल्टी से पढ़ा है बेचारे, वो इस क्वेश्चन को स्ट्रगल करेगा। इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अगर एनर्जी लेवल को हम ए बी सी से डिनोट करें, समझने की कोशिश करना, एनर्जी लेवल ए बी सी मतलब जो हाँ वन था वहाँ ए हो गया, टू को बी लिख दिया और थर्ड को सी लिख दिया। अब कहता है एक ट्रांजिशन होता है ई से एनर्जी लेवल असर, अब इस तरह से कि सबसे ज़्यादा एनर्जी सी की है, ऑब्वियसली जब हम इधर से इधर जाएंगे तो टोटल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है मैक्सिमम इन्फिनिटी पे। अब ट्रांजिशन सी से बी तक कंसीडर करो, तो सी से बी तक अगर कोई ट्रांजिशन हुआ तो इस ट्रांजिशन में जो वेव लेंथ निकला वो लैम्डा वन लैम्डा टू आर द वेव लेंथ, समझना, लैम्डा वन लैम्डा टू आर द वेव लेंथ इंटर ट्रांजिशन, तो जो वेव लेंथ निकला वो लैम्डा वन है। चलो अब बी से ए तक देखो, बी से ए तक जो ट्रांजिशन हुआ उसमें जो वेव लेंथ निकला वो लैम्डा टू है, ठीक है। अब सी से ए तक जो ट्रांजिशन हुआ तो सी से ए तक, सी से ए डायरेक्ट जो हो गया, समझ रहे हो, जो डायरेक्ट हो गया सी से ए उसमें निकला लैम्डा थ्री। अब ये एक बच्चा है जिसको जो जो स्मार्ट है या किसी अच्छे फैकल्टी से पढ़ा है, या मैं कभी अपलोड करूँगा थियरी तो मैं मेरा थियरी देखना कभी, बहुत बेहतर तरीके से सारा चीज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा जो उसको पता है एक रिजल्ट पता है, उसको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी सेल में है और वो डायरेक्ट ग्राउंड को जाता है और अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेट से जाता है तो जो लैम्डा बनता है, जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी जो एनर्जी है डेल्टा ई सी की एनर्जी डेल्टा ई ए और प्लस डेल्टा ई बी के इक्वल है, ठीक है, इस वाले ट्रांजिशन से और इस वाले ट्रांजिशन के दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू होता है एस सी अपन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा थ्री एस सी अपन लैम्डा थ्री यहाँ से, ठीक है, अरे भाई यहाँ से एस सी अपन लैम्डा थ्री मस्ट बी इक्वल टू एस सी अपन लैम्डा वन प्लस एस सी अपन लैम्डा टू, मतलब यहाँ से लैम्डा थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा वन लैम्डा टू और डिवाइडेड बाई लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। तो वो जो रिजल्ट है वो मतलब डी ऑप्शन सही है। अगर ये नहीं आता मान लो, हाँ मान लो ये चीज़ नहीं सीखे हो, ये चीज़ नहीं सीखे हो तो इसको तुम लगा सकते हो, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम आ जाएगा। और इस रिजल्ट को याद रख लो, क्या रिजल्ट है भाई, ग्राउंड स्टेट में अगर जाना है और किसी भी हायर ऑर्बिट में है तो जितने भी ट्रांजिशन करेगा बीच में और फिर डायरेक्ट ट्रांजिशन, वो इंडिविजुअल ट्रांजिशन की जो एनर्जी है डायरेक्ट ट्रांजिशन के सम के इक्वल होती है, डिफरेंस मतलब ये वाली जो एनर्जी डिफरेंस है ये इसके इक्वल होती है। अगर नहीं तो नहीं याद है तो फिर इसको देखो, यहाँ से करो तो यहाँ से बी से सी, सी से गया तो मान लो पहले पहला वाला ट्रांजिशन लैम्डा वन के बारे में देखो, लैम्डा वन मतलब डेल्टा डेल्टा एनर्जी बी सी, बी सी ट्रांजिशन में एनर्जी कितनी होगी बोलो, एनर्जी होगी मैग्नीट्यूड हायर वाले में से एनर्जी ऑफ सी आर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ बी आर्बिट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डेल्टा एनर्जी इन सेकेंड इंटरमीडिएट स्टेट बी ए, तो बी ए में एनर्जी हो जाएगी एनर्जी ऑफ बी और माइनस एनर्जी ऑफ ए, और डेल्टा ई एनर्जी इस वाले में एनर्जी हो जाएगी सी से ए में, तो एनर्जी सी से ए में आ जाएगी डेल्टा ऑफ सी माइनस डेल्टा ऑफ ए। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब तुम्हें काम करना है फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ
तो मुझे डेल्टा ई बी सी प्लस डेल्टा ई बी ए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ई बी ने ई बी को, तो ये आ जाएगा ई सी माइनस ई ए। अब अगर अच्छे से देखोगे तो ई सी माइनस ई ए वो कुछ नहीं है, डेल्टा एनर्जी इन सी ए है। तो एक तरह से मैं डिराइव कर दिया, तो ये जो डेल्टा ई बी सी है प्लस डेल्टा ई बी ए है ट्रांजिशन में, वो इसके इक्वल होगा। अब वैल्यू रख दो इसमें बी सी में, बी सी में कहाँ गई भाई, बी सी बी सी में लैम्डा वन निकला था, तो एनर्जी की वैल्यू एस सी अपन लैम्डा वन, और इसमें निकला था एस सी अपन लैम्डा टू, और इसमें निकला था एस सी अपन लैम्डा थ्री। तो अब यहाँ से एस सी ने एस सी को ख़त्म कर दिया, और ये लैम्डा थ्री की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना और वो अपना आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखो यार फिजिक्स का, यही तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है और अच्छी बात है यार फिजिक्स की। कम से कम 7-8 क्वेश्चन जल्दी 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 कॉन्सेप्ट से कर लोगे अगर अच्छी फैकल्टी और अच्छे एजुकेशन से अच्छी जगह पढ़ाई की हो तो। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए हाइड्रोजन एटम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो सर्कुलर रेडियस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इसकी न्यूक्लियाई ये जेड ई है। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन है तो चार्ज की वैल्यू ई ही होगी, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन, और ये रेडियस आर है। तो कहता है कुलामिक फोर्स, देखना ध्यान देना वेक्टर में लिखना है, कुलामिक फोर्स की वैल्यू लिखना है वेक्टर के टर्म में लिखना है, ठीक है। चलो पहले स्केलर फॉर्म में लिख लो, तो स्केलर फॉर्म में अगर लिखोगे बच्चों तो इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो होता है 1π4π ε0 इज इक्वल टू Q1Q2 ओवर आर का स्क्वायर, या Q1Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहाँ Q1 और Q2 आपस में इक्वल होंगे E होगा, तो ये आ जाएगा KE स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर, दैट इज द फोर्स। ये कौन सा फोर्स है यार, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अभी हमें इसको वेक्टर फॉर्म निकालना है यार, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म निकालूं तो इस इक्वेशन को, ये स्केलर फॉर्म है, इस इक्वेशन को मैं वेक्टर बनाऊंगा। स्केलर को वेक्टर कैसे बनाएंगे यार, स्केलर है उसको वेक्टर कैसे बनाएंगे? अगर किसी स्केलर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस वो स्केलर में एक मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है, तो वो स्केलर वेक्टर बन जाएगा। भाई मेरे पास 100 रुपया है और मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं कितना अमीर होऊंगा? कभी नहीं अमीर होऊंगा, हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 1 के साथ किसी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 रुपीज़ तो रहेगा, प्लस में डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। तो बात वही है, तो इसमें मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस स्केलर को मैं वेक्टर बनाऊंगा, इसके सर के ऊपर एरो चढ़ाऊंगा, टोपी पहनाऊंगा इसको, और के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर पहले था, और यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इधर एक ही वेक्टर है यार, के और ई स्केलर है। अब हम सबको पता है 11th में पढ़ के आए थे यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यह आ जाएगा, एक मिनट यहाँ एक गलती हो गया, करोगे याद तो गलती हो गई है। जब हम वेक्टर लिख रहे हैं तो हम साइन लिखेंगे, के चार्ज ऑन प्रोटॉन और माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सभी के साइन लिखेंगे। तो यह आ जाएगा माइनस की ई स्क्वायर ओवर आर की पावर क्यू और वेक्टर आर कैप, दैट इज द फोर्स। ये एक्चुअली वेक्टर इक्वेशन है, और ये बता रहा है कि जो फोर्स, अब मतलब अगर इसको अच्छे से अगर देखोगे तो जो फोर्स है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि अगर यहाँ से न्यूक्लियस और इनमें जो डायरेक्शन है, निगेटिव साइन बता रहा है एफ और आर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, समझने की कोशिश करना। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन भैया चक्कर लगा रहा है, तो अगर मैं यहाँ से ओरिजिन सेट करता हूँ 0,0, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ऐसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और आर अगर पोजीशन वेक्टर बनेगा तो तुम फोर्स किस पे निकाले हो?
तो फोर्स तो इलेक्ट्रॉन पे निकाला गया, तो फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पे निकाला गया तो अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो निगेटिव साइन का मतलब ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे लगेगा, पोजिशन वैक्टर ऐसे आएगा, दिस इज द। तो ये आपको बेहतर तरीके से मज़ा आ गया होगा। चलो, ये एक्सरे का क्वेश्चन है बेसिकली, और ये जो क्वेश्चन है ये अब नीट के सिलेबस में शायद नहीं है एक्सरे, तो ये इस क्वेश्चन को वही समझ पाएगा, वही कर पाएगा जो एक्सरे पढ़ा होगा, एक्सरे बनती कैसे है, ठीक है। तो ऑब्जर्व इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इमिटेड इन द फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ। इस पर अब देखो, जब भी एक्सरे बनाया जाता है यार, तो एक्सरे दो टाइप की होती है, एक होती है कंटिन्यूस एक्सरे, एक होती है कंटिन्यूस एक्सरे, और एक होती है डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम? कूलीज ट्यूब। तो कूलीज ट्यूब एक मशीन है जिसे हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस दुनिया में किसका एक्सरे हुआ था? सबसे पहले इस दुनिया में जो आविष्कार किया था रुंटेंगन, ठीक है, रुंटेंजन, उसने अपनी वाइफ का ही कर डाला था, मतलब एक्सरे कर डाला था, तो अपनी वाइफ पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तो कंटिन्यूस एक्सरे अपनी वाइफ का सबसे पहले किया था, इस दुनिया में सबसे पहले अपनी वाइफ का एक्सरे हुआ था उसकी। तो ये इंटेंसिटी, अब चलो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये सबसे पहले कंटिन्यूस वाला कैसे बनता, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, समझ लो अगर समझने के इंटरेस्टेड हो तो। तो ये अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन हाई एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंटिन्यूस एक्सरे तब बनता है जब हम हाई वेलोसिटी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है, और उसे जब कोलिजन कराते हैं, और इस कोलिजन में ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन नहीं करता है, बट इस न्यूक्लियस की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये जो स्पीड कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया ड्यू टू अट्रैक्शन, और वो जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूस एक्सरे के फॉर्म में आता है। तो वो कंटिन्यूस एक्सरे बनता है, उसका ग्राफ ऐसे नहीं आता है, उसका ग्राफ सुंदर आता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है सुंदर तरीके से। ये किसका है? कंटिन्यूस का। ये देखो यहाँ पर सुंदर है, ग्राफ अच्छा है, तो ये कंटिन्यूस एक्सरे है और यहाँ पर कंटिन्यूस एक्सरे है, लेकिन ये कंटिन्यूस एक्सरे नहीं है। ए और बी, जो सींग होती है, जैसे सांड होता है ना, जानवर होता है, उसकी जो सींग होती है वो कंटिन्यूस एक्सरे नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ से डिसकंटिन्यूस एक्सरे या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कैसे बनता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बनता है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करके बाहर निकाल देगा। तो कोलिजन करके बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से ये न्यूक्लियस वाला इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गए, एक इधर से आ रहा था, एक इधर आया, एक इसको निकाल दिया। तो ये जो खाली जगह बच गया, खाली सीट बच गई वैकेंसी, इसको भरने के लिए इधर से कूदेंगे, सब इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, और उस जंपिंग में, डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी बाहर आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स रे होती है, और उसकी ग्राफ कुछ ऐसी सींग टाइप आती है, सींग की टाइप आती है ऐसा कुछ, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैं ज़्यादा मतलब ये बी ऑप्शन इसका सही है। अब ज़्यादा पढ़ना है तो इसको थ्योरी जाके पढ़ेंगे। तो आपको आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा आपको लेक्चर में, तो आप खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, मेरे साथ जुड़े रहो। अगर कोई दिक्कत आता है, कोई परेशानी आता है तो कमेंट करो, और सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में मोटिवेटेड रहो। अपना ख्याल रखो, थैंक यू।